न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। शिरडी वाले साईं से महाभारत करने निकले शंकराचार्य स्वरूपानंद अब एक कैबिनेट मंत्री को धमका रहे हैं। क्या शंकराचार्य को हिंदुस्तान ने इतनी ताकत दे रखी है कि वो आस्था, भक्ति, भाव, समर्पण सब तय करें? इंडिया न्यूज आपको आदि शंकराचार्य से लेकर शंकराचार्य को लेकर हो रहे विवाद की पूरी कहानी बता रहा है। शंकर के प्रतिरूप शंकराचार्य माने जाने वाले शंकराचार्य क्यों धरती पर आए, उन्हें पीठ बनाकर बिठाने का मतलब क्या है, स्वरूपानंद जो कह रहे हैं बाकी के शंकराचार्य का उस पर क्या कुछ कहना है, एक एक बातें बारी बारी से देखिए। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। कर्म को सर्वोत्तम धर्म मानने वाले हिंदुस्तान में क्या एक धर्म गुरु? ₹125 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में इतना ताकतवर है कि वो कैबिनेट मंत्री को नसीहत देता है, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने का प्रस्ताव पास करवाता है। पिछले एक सप्ताह से साई शंकराचार्य में हो रहे धर्मयुद्ध को सुन सुनकर लोग उकता चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं शंकराचार्य साई के पीछे पड़े हैं, कुछ कहते हैं शंकराचार्य ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर शंकराचार्य के विचारों से सहमत नहीं है, साईं बाबा की पूजा करती साईं बाबा को ही मानती, राम को नहीं मानती, तो करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा पे चोट पहुंचा रही। लेकिन शिरडी वाले साईं को लेकर शुरू हुए इस विवाद में पूरा हिंदू समाज पिस रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो शर्मनाक है। देखिए कैसे जगत गुरु शंकराचार्य जैसे ओहदे पर बैठे स्वरूपानंद सरस्वती की तस्वीर पर लोग गुस्सा उतार रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इस हंगामे का दोषी किसे माना जाए? क्या शंकराचार्य ने वही किया जो उनके पद और प्रतिष्ठा के मुताबिक है, क्योंकि वो हिंदू धर्म के सचेतक भी हैं? क्या साई से सनातन धर्म को इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया था कि इस स्तर तक जाने की जरूरत आ गई? अंतरखंड सूत्र है जिसमें ये बताया गया है असत, अचेतन और अयोग्य की उपासना करने से या तो वो निष्फल होती है या उल्टा फल देती है। तो जो साई के संबंध में हमने बात कही है उसमें ये तीनों बातें लागू होती हैं। साई को लेकर शंकराचार्य के विवाद में हर दिन नई बात सामने आती है। पहली बात को लेकर उठा तूफान शांत नहीं होता, दूसरा आरोप सामने आ जाता है। खुद स्वरूपानंद सरस्वती करीब करीब हर दिन बयान दे रहे हैं, लेकिन स्वरूपानंद अकेले शंकराचार्य नहीं जिन पर पूरे हिंदू धर्म की रक्षा का भार है। आदि शंकराचार्य ने देश में 4 पीठों की स्थापना की थी, इस तरह से 3 और शंकराचार्य हुए। क्या इनकी मौन सहमति भी द्वारिका पीठ के शंकराचार्य के साथ है? सवाल ये है कि शंकराचार्य ने साईं को लेकर सनातन पूजा पद्धति, आरती, चमत्कार सब पर बारी बारी से सवाल उठाए, बाकी लोग कहाँ हैं? जो साईं का प्रकरण चल रहा है उसमें भी शंकराचार्य जी ने इसलिए मुद्दा उठाया क्योंकि सनातन धर्म कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और साईं को आगे बढ़ा के सनातन धर्म के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। इसलिए शंकराचार्य जी ने ये बात उठाई है कि साईं जो मूर्तियां स्थापित हो रही हैं हिंदू मंदिरों में कहीं ना कहीं जबरदस्ती स्थापित किया जा रहा है, ये सनातन धर्म को ही खत्म करने की एक कुटिल चाल चली जा रही है। आदि शंकराचार्य के 4 पीठों में से द्वारिका पीठ पूरी तरह स्वरूपानंद सरस्वती के पास है। ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर को लेकर विवाद है। बचे 2 और पीठ के शंकराचार्य भी साईं और कैबिनेट मंत्री उमा भारती को लेकर क्या वही राय रखते हैं जो स्वरूपानंद सरस्वती की है? कोई सीधे तौर पर भले मुंह खोलने को तैयार नहीं, लेकिन सीधे अखाड़ा बनाकर साईं के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ने वाले स्वरूपानंद के खिलाफ नहीं बोलने को क्या समझा जाए? जैसे कि अभी ये चल रहा है इसको विवाद माना है, विवाद नहीं है। ये शंकराचार्य जी महाराज ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक व्यवस्था बनाई हुई है कि धर्म के ऊपर हमारा कैसा प्रयास किया जा रहा है, इसको कुचलने का जो है, खंडित करने का जो है, वो
उनके मार्गदर्शन किया गया है कि हम हिंदुओं को सनातन धर्मियों को किस प्रकार से जो है अपनी धर्म की रक्षा के लिए जो है कैसा विधर्मियों से हम सामना करें। स्वरूपानंद ने पिछले सप्ताह भर में दर्जन भर से ज्यादा सवाल उठाए हैं। साईं की पूजा से लेकर धारा 370 तक राय ही नहीं रखते बल्कि राय देते भी हैं। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या हिंदू धर्म ने शंकराचार्य को इतने अधिकार दे रखे हैं। इससे बेहद ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आखिर शंकराचार्य का इतिहास क्या है और उन्हें ये भूगोल किसने दिया। शंकराचार्य की जिम्मेदारी होती है कि जो वैदिक परंपरा है, हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसको जन जन में प्रचार करना, उनको मार्ग दिखाना कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुमको ये करना चाहिए, ब्राह्मण का ये कर्तव्य, चातुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना करना। एक एक कर शंकराचार्य के सच की पूरी कहानी देखते जाइए। साईं को लेकर उठा विवाद कहां तक पहुंच गया है, कहां तक जाने वाला है, वो देखिए इलाहाबाद से संदीप तिवारी और वाराणसी से संतोष ओझा के साथ किशोर रावत, हरिद्वार, इंडिया न्यूज। शंकराचार्य मतलब शंकर जैसे विचार और आचार रखने वाले, मतलब कल्याण के लिए विष को पी जाने वाले, सच्चे धर्म को हर हाल में बचाने वाले। लेकिन क्या ये सब कुछ हो रहा है, शंकराचार्य की पूरी कहानी अब देखिए। वो मांसाहारी था, वो बकरा काटता था। सही हमारा बाप है और वो कहता है कि सबका मालिक है के। शंकराचार्य ने शिरडी के साईं पर बयान क्या दिया, देश भर में बवाल मच गया। एक तरफ वो लोग हैं जो शिरडी के साईं को भगवान मानने पर अड़े हुए हैं। नहीं तो बाबा जी के लिए गलत बोला, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो भी खुद एक महान संत है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने जो कह दिया सनातन धर्म के लिए वो पत्थर की लकीर है। अब हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं आखिरकार हिंदू धर्म में शंकराचार्य का ओहदा क्या होता है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने देश के अलग अलग हिस्सों में चार पीठों की स्थापना की थी। चारों पीठों के पीठाधीश्वर को शंकराचार्य कहते हैं। आदि शंकराचार्य जी ज्ञान के अवतार थे और उन्होंने 72 मतों को शास्त्रार्थ के माध्यम से पराजित किया, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। उनके सामने ये प्रश्न था कि मैंने ये काम तो कर दिया लेकिन आगे आने वाले दिनों में फिर ये मत अपना सिर उठाएंगे और समाज में भ्रांतियां उत्पन्न करेंगे। उन्होंने चारों दिशाओं में चार वेदों को आधार बना करके चार आमनाई पीठों की स्थापना कर दी और अपने चार सुयोग्य शिष्यों को स्थापित करके कहा कि तुम मेरे ही स्वरूप समझे जाओगे, शंकराचार्य होगे और तुम्हारा ये काम होगा कि तुम जब जब सनातन धर्म पर इस तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो उसका निराकरण करना। अब चारों शंकराचार्य का इतिहास भूगोल जानिए। गुजरात के द्वारिका में द्वारिका पीठ की स्थापना हुई, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारिका पीठ के ही शंकराचार्य हैं। उत्तराखंड के जोशी मठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना हुई। इस पीठ के शंकराचार्य को लेकर विवाद है। फिलहाल स्वरूपानंद सरस्वती के पास ही ज्योतिर्मठ के देखरेख की जिम्मेदारी है। मठामनाय में सबका विधान लिखा हुआ, उसी के अनुसार हमारे शंकराचार्य बनाए जाते। चार ही मुख्य शंकराचार्य हैं। आजकल जो अनेक प्रकार के स्वयंभू शंकराचार्य, उनको वेद के अनुसार शंकराचार्य नहीं माना जाता, वो वेद अनुसारी नहीं है। उनको मानने में इसीलिए ये व्यवस्था बिगड़ रही है कि मनमानी जो है धर्म की व्याख्या लोग कर रहे हैं, अपने अपने कुमति के अनुसार धर्म की व्याख्या करके हमारे सनातन धर्म को विकृत कर रहे हैं। गोवर्धन मठ भी शंकराचार्य की ही पीठ है जो उड़ीसा के पुरी में है। इसकी स्थापना भी आदि शंकराचार्य के हाथों हुई, ऐसी मान्यता है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना हुई। भारतीय तीर्थ श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य के लिए हमारे यहाँ जो उसकी पदवी है, वह जो शास्त्रार्थ करता है और शास्त्रार्थ में जो विजयी होता है उसके बाद उनको शंकराचार्य जी का पद दिया जाता है। ये परंपरा पहले रही है लेकिन अब वो परंपरा खत्म करके जो वर्तमान शंकराचार्य हैं वो अपने सुयोग्य उत्तराधिकारी को चुन करके उसी में से किसी एक को अपने जीते जी या वसीयत लिखते हैं, उसके मरने के बाद उनके शिष्य को जिनको वो चुनते हैं उनको शंकराचार्य का पद दिया जाता है। अब तक आपने शंकराचार्यों का इतिहास भूगोल देखा, अब आपको शंकराचार्यों की जिम्मेदारी बताते हैं। सनातन धर्म में मान्यता है कि शंकराचार्य ही हिंदू धर्म के सुप्रीम हैं।
इन मठों के द्वारा धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार होता है, उपासना का प्रचार प्रसार होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उपासना के प्रचार प्रसार के साथ साथ में मठ में ऐसी भी व्यवस्थाएं होती हैं जो धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं। भारत में विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न संप्रदायों के मठ हैं, वो समय पड़ने पर जाकर के ऐसे मठों की सहायता ले सकते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक क्या सही है, कौन सी बातें हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, ये तय करने का अधिकार भी शंकराचार्य के पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्यों के इलाके में दखल नहीं दे सकते। इलाहाबाद से संदीप तिवारी और वाराणसी से संतोष ओझा के साथ किशोर रावत, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। आपने शंकराचार्य की गरिमा, उनके स्थान की बातें देखी, लेकिन अब दूसरा पक्ष भी देखिए। साईं भक्तों और शंकराचार्य के बीच का घमासान कहां पहुंच गया है। शंकराचार्य बनाम उमा भारती हो गया है। हरिद्वार में साधु संतों ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर तीखे हमले किए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर डाली। साईं भक्तों और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बीच छिड़ी जंग में अब शंकराचार्य के निशाने पर उमा भारती हैं। वो उमा भारती जिन्होंने किसी की परवाह किए बिना खुलकर शिरडी वाले साईं बाबा की पूजा को सही बताया है। मैं तो साईं बाबा को बहुत मानता हूं, बहुत, और मैं साईं बाबा के अंदर भगवत सत्ता देखती हूं। और यही वजह है कि हरिद्वार में साधु संतों की धर्म संसद में सीधे सीधे उमा भारती पर प्रहार किए गए। बैठक में मांग उठी कि उमा भारती को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। ये मांग उठाई हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने। शंकराचार्य के विचारों से सहमत नहीं है, साईं बाबा की पूजा करती, साईं बाबा को भी मानती, राम को नहीं मानती, तो करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा पे चोट पहुंचा रही, इसलिए ऐसे उमा भारती को भगवा वेशधारी में संत के रूप में केंद्रीय मंत्री पद त्याग पत्र दे देना चाहिए। हालांकि धर्म संसद में उमा को बर्खास्त करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन संतों के स्वर उमा भारती के खिलाफ थे। प्रेमानंद महाराज ने साफ कहा कि अगर उमा भारती माफी मांग ले तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती उन्हें माफ कर देंगे। संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए। यद्यपि उन्होंने पत्र भेजकर शंकराचार्य जी को अपने विचारों से अवगत कराया, लेकिन जगत गुरु के पास में आए, क्षमा मांगे, उनको क्षमा कर दिया जाएगा। मैं अपने विचारों पर कायम हूं। आपको बता दें कि उमा भारती ने शंकराचार्य को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है, मैं ये पत्र इसलिए लिख रही हूँ ताकि एक अनावश्यक विवाद से मैं अपने आप को दूर रख सकूँ। हरिद्वार में पत्रकारों ने मुझसे शिरडी के साईं बाबा के भगवान होने के बारे में पूछा। मैंने कहा, किसी को भगवान मानना बिल्कुल निजी विषय है। मैं स्वयं शिरडी के साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैं सभी संत परंपराओं का बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने जो बोला है उस पर कायम हूँ, आगे इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहती। बैठक में उमा भारती की चिट्ठी को रखा गया, लेकिन संत उससे संतुष्ट नहीं हुए। पत्र में जो बात उन्होंने कही है उसका सार ये है कि वो साईं की पूजा को व्यक्तिगत मानती है, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि अगर वो व्यक्तिगत है तो हमारे मंदिरों में उनकी मूर्ति क्यों रखी जाए। बैठक में इसे लेकर भी प्रस्ताव पारित हुआ है कि मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति न रखी जाए, साईं की मूर्ति रखने का विरोध किया जाए। किसी भी हिंदू धर्म स्थान एवं मंदिर परिसर में साईं की प्रतिमा नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे नई पीढ़ी को अपनी महान धार्मिक एवं आध्यात्मिक विरासत को अपनाने में कठिनाई होगी और वास्तविक भगवान तथा देवी देवताओं की महत्ता और गरिमा पर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। उमा भारती की चिट्ठी से साफ है कि वो अपने बयान पर कायम है, लेकिन इस विवाद से खुद को दूर रखना चाहती हैं। लेकिन शंकराचार्य और उनके समर्थक उमा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सवाल ये है कि देश में साईं के लाखों करोड़ों समर्थक हैं, शंकराचार्य किस किस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। किशोर रावत के साथ धर्मेंद्र चौधरी, हरिद्वार, इंडिया न्यूज। साईं और शंकराचार्य के बीच की लड़ाई में ऐसा पड़ाव आ रहा है जिसके बाद लगता है कि क्या से क्या हो रहा है। न शंकराचार्य स्वरूपानंद पीछे हटने को तैयार हैं, न ही साईं के भक्त। हालात तू तू मैं वाली होती हुई दिख रही है। आपको बारी बारी से बताते हैं कहां से कहां तक पहुंच गई है साईं और शंकराचार्य की लड़ाई। पिछले एक सप्ताह से द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने हिंदुस्तान को हिला रखा है।
साईं के नाम पर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसमें वो क्यों नहीं है नमकीन मटकी? शंकराचार्य ने करो या फिर मरो जैसी हालत कर रखी है। वो आस्था, विश्वास, भक्ति सब खुद से तय करते जा रहे हैं। बहाना साईं है। तमीज से बात करेंगे, तमीज से जवाब मिलेगा। बदतमीजी करेंगे, बदतमीजी संजय सेना जी। संजय सेना जी, अच्छा नहीं नहीं, साईं पर बहस कर रहे हैं। साईं नाम, साईं नाम, साईं नाम, साईं नाम, सुनो, साईं नाम, साईं नाम, साईं नाम, असंतुलित नाथ, नियमित नाथ, सुनिए, आचार्य गोविंद दिखा दिखा के बात कर रहे हैं हम सब। तुम आप क्या है, आप क्या हो जी, यहाँ बैठे हैं आचार्य गोविंद, आचार्य गोविंद वल्लभ की बात कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मांड के मुद्दे पर, ब्रह्मांड के बात है यहाँ पर। आपको सुनवाते हैं कि किन किन मुद्दों पर शंकराचार्य ने क्या क्या नहीं बोला। असत, अचेतन और अयोग की उपासना करने से या तो कोई फल नहीं होता या फिर उसका उल्टा फल होता है। इसलिए हमने इस बात का आप लोगों के सामने कथन किया। साईं के खिलाफ ये शंकराचार्य की पूरी तैयारी है, जिसमें वो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं जिसे सुनकर साईं भक्तों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचता है। साईं भक्त शंकराचार्य जैसे पद की गरिमा भूल रहे हैं, कैसे, उसके लिए ये तस्वीर दोबारा देखिए। क्या हो रहा है वो देखिए। साईं की मूर्ति को गंगा डुबकी लगवाई जा रही है, शंकराचार्य के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ हो रहा है। शंकराचार्य ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो भड़काऊ हैं। मसलन साईं का नाश कर दूंगा, संतोषी माता का भूत उतारा, अब साईं की बारी है। आपको याद होगा कि घर घर संतोषी माता हो गई थी, सिनेमा वालों ने प्रोजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब हमने कहा कि संतोषी माता का हमारे शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, गणेश जी के कोई पुत्री हुई संतोषी जैसी नहीं है, अब देखिए संतोषी माता का नाम नहीं ले रहे लोग, ऐसे ये खत्म होंगे। जिस साईं को लाखों लोगों ने सनातन में जगह दी, शंकराचार्य उन्हीं के वजूद को मानने के लिए तैयार नहीं। वो उनके चमत्कार की कहानी को ढोंग बताते हैं, वो साईं के गुरु का पता मांगते हैं, वो साईं की आरती को फर्जी बताते हैं। सिर्फ पिछले एक सप्ताह में जब से विवाद शुरू हुआ, शंकराचार्य स्वरूपानंद बोले ही जा रहे हैं। हर दिन एक नया बयान, हर दिन नए आरोप, पहले साईं, फिर साईं के बहाने उमा भारती। शंकराचार्य वहाँ तक निकल गए जहाँ अमूमन धर्मगुरु नहीं जाना चाहते। क्या इसके पीछे कोई छिपा सत्य है, कोई अलग कहानी है? वाराणसी से संतोष ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हैरानी होती है आजाद भारत की तस्वीर देखकर, जहां पर आस्था और भक्ति को लेकर भी फरमान सुना दिए जाते हैं। एक ब्रेक के